राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और सुबह के टाइम है ये, सुबह का करीब 10 बज रहे हैं और यहाँ पर मैंने खाना बनना लगा दिया है क्योंकि इनके फ्रेंड्स आ गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो सुबह सुबह का खाने का टाइम है तो खाना ही खिला देते हैं सबको। और बाकी काम अभी मेरा पोछा वगैरह डस्टिंग नहीं हुई थी, बस खाना बनाने लग गई थी मैं, सिर्फ झाड़ू हो गई थी और खाने की तैयारी कर ली थी मैंने, तो फिर यहाँ पर मैं उनको खाना खिला रही हूँ। ये कृष्णा उनके लिए खाना लेकर जा रहा है और आप लोगों को भी मिलाऊंगी मैं उन लोगों से। सुबह लेटी हुई हैं बाहर, फ़ोन चला रही हैं। माँ जी नहा चुकी थी तो माँ जी भगवान जी को नहला रही हैं यहाँ पर। मैंने कहा आप नहा लो, भोग भी लग जाएगा भगवान जी का। फिर माँ जी ने भोग के लिए कुछ और ही बनाया था अलग से, क्योंकि फिर खाना लेट हो जाता सबके लिए और उन भैया को भी कहीं जाना था। माँ जी ने फिर बाद में सिमई बनाई थी भोग के लिए, तो फिर उससे भोग लगा दिया था। और यहाँ पर मैं खाना वगैरह खिलाकर उसके बाद फिर मैं अपनी डस्टिंग करूँगी और झाड़ू पोछा करूँगी। इस तरह से ये हैं इनके फ्रेंड्स, सारा काम खत्म करेंगे। अरे बन और खाने वगैरह से फ्री होकर, बर्तन वगैरह किचन वगैरह सारा साफ कर कर मैं फ्री हो गई थी। 11 बज गए थे तो 11 बजे के बाद फिर मैंने पूरे सोफ़े वगैरह सेट के सारे में डस्टिंग की। उसके बाद फिर मैंने पोछा लगाया क्योंकि भैया वगैरह चले गए थे और बच्चों ने भी खाना वाना खा लिया था, सब फ्री हो गए थे, बस मैं ही बाकी रह गई थी। और ओम को कृष्णा ने नहला दिया था। आजकल कृष्णा के साथ नहाने लगे हैं ओम शावर से, कहते हैं मम्मी मुझे भैया के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसी ने नहला दिया था ओम को, तो मैं ओम से भी फ्री हो गई थी। तो बस यहाँ पर डस्टिंग करके पोछा लगा के फिर मैं नहाऊँगी, तो करीबन एक तो बज ही जाएगा क्योंकि पूरे घर में पोछा लगाऊँगी डस्टिंग करूँगी तो 2 घंटे तो आराम से लग जाते हैं और आधा घंटा पसीना सुखाने में लग जाएगा। इस तरह से एक तो बज ही जाएगा, 1 बजे के बाद फिर नहाने जाऊँगी मैं क्योंकि, और यहाँ पर बच्चों का चल रहा है कैरम, मैं तो अपना काम कर रही थी और बच्चे अपना फुल ऑन कैरम बोर्ड खेल रहे थे। क्योंकि मैंने कहा दोपहर में, ज़्यादा दोपहर में खेलते हो क्या फ़ायदा बाहर बैठकर, अभी खेलो अभी ठंडा है, हम लोग भी जग रहे हैं। जब हम लोग सोते हैं फिर वो लोग कैरम खेलते हैं ना, तो हम लोग भी उनसे चिल्लाते हैं क्योंकि आवाज़ आती है दोपहर में, आप तुम लोग भी सो जाना हम लोग भी सो जाएंगे थोड़ी देर, अभी खेल लो। तो यहाँ पर ये बच्चे खेल रहे हैं कैरम और मैं लगा रही हूँ पोछा। मेरे आधे एरिया में पोछा लग चुका था, अब बस बाहर का एरिया रह गया है, तो बाहर के एरिया में भी पोछा लगाऊंगी क्योंकि आज ना हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो सुबह मैंने जल्दी नहीं लगाया था पोछा क्योंकि फिर अगर लगा भी दो तो ऐसा का ऐसा ही हो जाता है, तो अब मैं बाहर की साइड भी लगा कर आऊँगी पोछा। और पोछे में ना करीबन 1 घंटा लग जाता है मुझे, पूरा सारा कुछ डस्टिंग वगैरह करने के बाद अगर मैं पोछा लगाती हूँ तो पूरा 1 घंटा लग ही जाता है। यहाँ चल रहा है कैरम बोर्ड बच्चों का और पोछा वगैरह लगा के अब मैं हुई हूँ फ्री। और आप देख सकते हैं घड़ी में बज रहे हैं 12:18 के करीब हो रही हैं और सब लोग नहा चुके हैं, बस मैं बाकी हूँ क्योंकि अब पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। अब मैं पसीना सुखा के उसके बाद नहाऊंगी। इनमें से जो भी जीतता है वो खुश रहता है, जो हारता है वो लड़ना शुरू कर देता है, चिड़चिड़ करना शुरू कर देता है। वाह वाह, श्रेया जीत रही है, तो कृष्णा उनको चीटर बता रहा है। एक और एक हाँ, श्रेया तुम उठा सकती हो अभी टच नहीं है यार। अच्छा ये शाम के 4 बजे का टाइम है और ओम और सुबह आपस में कर रहे थे मस्ती और मस्ती मस्ती में उनकी फ़ाइट शुरू हो गई, पता नहीं कब कैसे कहाँ, पता ही नहीं चला हम लोगों को तो। और मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि चारपाई खड़ी थी तो उसके पाए बाहर की तरफ निकले हुए थे, तो मैंने कहा अगर सिर में लग गई ना तो बहुत तेज़ लगेगी और लोहे की चारपाई है, खून निकल आएगा। मुश्किल से माना, ओम ना एक बार शुरू हो जाए तो फिर वो रुकता नहीं है। और सुबह के साथ तो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, उसे तो ये लगता है कि बस सुबह मेरे बराबर की हैं तो उनके साथ झगड़ा कर लो आराम से। और सुबह के साथ इसलिए और ज़्यादा करता है कि वो उसे पलट के ज़्यादा मारती नहीं है ना, पिटती रहती हैं उस पर,
इसलिए उसे लगता है कि बस अब इन्हीं को दबा लो सबसे अच्छा। तो इन दोनों की लड़ाई चालू रहेगी काफ़ी देर तक। तो अब शाम का समय हो रहा है और शाम के बज रहे हैं 7:30 हो रहे हैं इस वक्त। और मेरी ना दो तीन दिन हो गए तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है, बीपी की दिक्कत हो रही है, जाने क्या हो रहा है, चक्कर नहीं बंद हो रहा है, सिर का दर्द बंद नहीं हो रहा है। आज मैं दोपहर में थोड़ी देर के लिए सो गई थी काम वाम करके करीबन दो बजे के करीब, और 2 बजे के बाद जितना भी किचन में बर्तन वगैरह होते हैं वो सब कुछ कृष्णा ने और श्रेहा ने और सुभी ने मतलब सब कुछ एकदम साफ करके किचन रखा था। मुझे बहुत खुशी हुई लेकिन मैंने मना किया, मैंने कहा बेटा श्रेहा और सुभी को मत लगाया कर क्योंकि ये तो मेरी भांजी है, मुझे तो पाप और लगेगा। फिर आप लोगों को दिखाती, एकदम से साफ कर दिया था, कोई बर्तन नहीं कुछ नहीं, वरना मैं शाम को उठती हूँ तब तक तो एक डलिया भर के बर्तन हो जाते हैं इकट्ठे, यहाँ पे पूरा श्रिंक मुझे फुल मिलता है, लेकिन आज ना एक भी बर्तन नहीं है श्रिंक में, बिल्कुल भी नहीं। जो भी मतलब इन लोगों ने खाया पिया सब कुछ साफ करके छोड़ दिया, किचन वगैरह गैस वैस सब कुछ एकदम साफ कर दी थी। अभी दिखाऊंगी आप लोगों को, ये देखिए श्रिंक में एक भी बर्तन नहीं है। और ये तो मैंने अब कर दिया है रोटी के लिए, आटा लगा के रख दिया, सलाद काट के रख दिया है, दीपक बनाऊंगी, और ये सब्जी लेकर आए थे तो इसे अभी फ्रिज में रखूंगी खोल के। बच्चों ने कस्टर्ड मंगाया था कि मामी आइसक्रीम जमा देना उसके लिए। वैसे देखिए गैस वगैरह एकदम साफ है और सारी स्लिप वगैरह सब कुछ एकदम बढ़िया साफ सुथरा करके रखा है, वरना इस समय जब भी मैं किचन में आती हूँ तो मुझे इतना गंदा किचन मिलता है, चारों तरफ खाना फैला होगा और श्रिंक भरी हुई होगी बर्तनों की वजह से। लेकिन आज पहली बार मुझे किचन एकदम साफ मिला है। ऊपर करो हाथ ऊपर, हाँ कहाँ है मम्मा का दिल, कौन कौन है इस दिल में, हाँ फिर क्या होता है आप बताओ। मम्मी की धड़कन बंद हो जाती है, तो मम्मी की धड़कन कैसे चलती है फिर, जब दोनों पास पास होते हैं और दोनों प्यार करते हैं। धड़कन चल जाती है। अरे वाह, ये मेरे दिल के टुकड़े हैं, टुकड़े है ना, एक ओम और एक कृष्णा है ना। तो चलिए अब शाम के लिए खाना वाना बनाएंगे बच्चों के लिए, क्योंकि आटा वगैरह सब तैयार कर लिया है मैंने, अब बस पराठे से सेकूंगी। बच्चे पराठे मांग रहे हैं क्योंकि भरवा बैंगन बने हैं, तो भरवा बैंगन के साथ सबको पराठे चाहिए। तो फ्रिज में से दही निकाल लें, और भरवा बैंगन मैंने सुबह ही बनाए थे और बच्चों ने सुबह दाल चावल ज्यादा खाए थे, सब्जी नहीं खाई थी तो वो रखी है ऐसी की ऐसी। तो बच्चे कहने लगे मामी अब तबीयत भी ठीक नहीं है तो कुछ ज्यादा नहीं करो, पराठे सेक दो आप, तो हम उसी के साथ भरवा बैंगन के साथ खा लेंगे दही के साथ। और चटनी है, भरवा बैंगन है, तो यही सब बस निकाल के रख देती हूँ। अच्छा, और अचार वगैरह निकाल लूं मिर्च का, ठीक है। तो चलिए अब खाना बनाना शुरू कर लेते हैं, और उससे पहले सब्जियां फ्रिज में धो के लगा दूं तब खाना सेकना शुरू करूंगी। और बाबा जी के लिए खिचड़ी रख दूं बनाने के लिए, क्योंकि बाबा जी ने मना कर दिया है मुझे बाकी कुछ नहीं खाना, खिचड़ी ही खानी है। तो बाबा जी के लिए खिचड़ी और सब्जी धो के रख दूं, उसके बाद फिर पराठे सेक। अच्छा देखने में लगता है खाने भी अच्छे बने, पता नहीं कौन से नहीं अच्छे लगे, कृष्णा को नहीं हाँ मेरा। अच्छा तो थोड़ा बहुत हो गया होगा, खाने लाने लाइट नहीं डाली, एकदम अंधेरा अंधेरा हो जाता है किचन में, वो वहां की खराब हो गई थी ना, ध्यान ही नहीं रहता मकान के मामले में। तुम लोग तीनों जन एक साथ बैठ जाओ ना, खा लो ध्यान से, ठीक है। अचार भी निकलते हैं,
चलिए रात के 10 बज रहे हैं। कुछ ना फोन दिखाना बेटा, टाइम देखना दे। अरे तेरे ऐप ही खुल गए उसमें। ये देखिए रात के 10 बज रहे हैं और मेरा सारा काम हो गया है खत्म। अब बस दूध देना बाकी है। यहाँ बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं, कृष्णा भी कर रहा है और सुबह भी करने की तैयारी कर रही है। इनकी अब सुबह हुई है, ये लोग अब होमवर्क करेंगे। हमें कम से कम 12 बजे तक नहीं सोने देंगे एक भी। इनकी अब पढ़ाई का टाइम हुआ है। शाम से नहीं पढ़ रहे थे, अब पढ़ रहे हैं। इनकी पढ़ाई अब शुरू हो गई है। तो इनकी इनकी कमरे में लाइट जलती रहेगी तो हम लोग कैसे सो जाएंगे, है ना? ये गलत बात है ना इन बच्चों की। हाँ, गर्मी में हम इन्हें भेज नहीं सकते। बोल देते हैं हम तो बाहर चले जाएंगे, लेकिन हमें गर्मियों में गर्मी है बाहर। बेशक कूलर चल रहा है लेकिन फिर भी गर्मी है, तो मैं नहीं भेज पाती। ये लोग यहाँ पढ़ाई करेंगे लेकिन मैं सो जाऊंगी आंखों से पट्टी बांध के, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी जगना है। तो चलिए अब मैं अपनी वीडियो का करूंगी एंड। इसी के साथ मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। राधे राधे।